अस्सलाम वालेकुम एंड बैक टू दिस माय चैनल किचन स्टिक रूबा। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चना चाट, जिसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैंने बॉईल करके छोटा पैकेट जो होता है, जितना आपको ये दिख रहा है, ये मैंने बॉईल करके चने को रख दिया है। बड़े चने हैं, बिल्कुल सही से कुकर की सीटी लगाई है फॉर आधा घंटा। अगर आपने भिगोए हुए चने तो आप सिर्फ क्या नाम है 4 से 5 मिनट सीटी लगाएंगे, आपके चने गल जाएंगे, सही है। उसके बाद मेरे पास ये योगर्ट है, दही जिसे हम कहते हैं, और ये मेरे पास है क्या नाम है, ये पूरा बॉल मैंने ले लिया है, इसको अभी हम मिक्स करते हैं। ये मेरे पास अनियन है चॉप, 2 नॉर्मल साइज़ की। ये 1 टोमेटो बीज निकाल के अच्छे से काट के छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं। ये मेरे पास खट्टी चटनी है, ये मैंने मीठी चटनी इमली की बनाई हुई है। ये नमक है, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, आधा चाय का चम्मच। ये मेरे पास चाट मसाला है 2 टीस्पून। ये मेरे पास है शुगर, जिसे हम शीरा कहते हैं, ये शीरा है, 3 टेबल स्पून। और ये मेरे पास हरी मिर्च की चटनी है 2 टेबल स्पून। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको, हाँ मेरे पास जो दही है इसको मैं सही से मिक्स कर लेती हूँ। जब तक पूरा आपको लगे कि सही से ग्राइंड हो चुका है तब तक आपने करना है। जी तो ये हो चुका है। मैं यहाँ से लूँगी शीरा, शीरे को उठा लिया है, इसमें मैं मिक्स कर दूँगी। दही के अंदर मैंने शीरे को मिक्स कर दिया है, इसको दोबारा से मैं बैंड कर लूँगी। शीरे को डालने के बाद इसको मैं मिक्स कर दूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं ये, आप लोग भी ट्राई करें रमज़ान आइटम। जब शीरे को मिक्स कर लिया है, अब मैं चनों पे आते हैं कि चने का हमने कैसे बनाना है। बॉल ले लिया है, सबसे पहले मैं थोड़े से जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है इसको मैं इसमें डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी, अभी सिर्फ इतना डाला है, बाकी अभी मैंने रोका हुआ है। ऐड कर रही हूँ खट्टी चटनी, पूरी डाल दी, लाल मिर्चें, मसाला, ये 2 टेबल स्पून है, जिसमें से मैं अभी सिर्फ 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने रोका है, वो लास्ट में ऊपर टॉपिंग के साथ डालूँगी। चने देखें, अब मैं थोड़े से चने ऐड करूँगी, फिर हम प्याज और टमाटर की फिलिंग इसके ऊपर लगाएंगे। आधे चने मैंने इसमें डाल लिए हैं, आधे मैंने रोके हैं, अभी रुके हुए हैं, और आधे मैंने इसमें यूटिलाइज़ किए हैं। अब बाकी हम इसमें चॉप्ड अनियन डाल देते हैं, इसके ऊपर लेयर लगानी है हमने, बारीक बारीक काटें ताकि अच्छा हमारा टेस्ट आए। थोड़ी सी और डाल लेते हैं। जी अब ये डाल लिया हमने, ऐसे टमाटो ऐड करूँगी, हाँ ये भी डाल लेते हैं। ये भी थोड़े से रोकूँगी बिकॉज आई वॉन्ट दिस फॉर टॉपिंग। नाउ अब हमारे पास बची हैं सिर्फ ये इमली की चटनी जो मीठी होती है, और ये मिर्चें। तो अब मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, आए इसको भी डाल लेते हैं। इसको भी देखें, मैं सारा नहीं डालूँगी, इसको मैंने बस आधी डाली है, आधी मैंने छोड़ दी है, वो बाद में डालेंगे, सही है। इसको थोड़ा इस तरीके से पूरे में कर दें, ये टेस्ट अच्छा हो जाएगा। अब मैं बाकी का बचा हुआ योगर्ट ले रही हूँ, योगर्ट डाल लेते हैं। अच्छे से हमने ऐड करना है योगर्ट को, फिर हमने इसके बाद हम डालेंगे चने। पूरा देखें, पूरे में ना अच्छे से इस योगर्ट पूरे में डाल लें।
ये हमारा योगर्ट डल गया है। अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं, इसमें मैंने अब चने ऐड कर दिए। चने हमारे सारे डल चुके हैं। अब जो मेरे पास लेफ्ट इंग्रेडिएंट्स बचे हैं वो ये हैं। थोड़ी सी मैं इसमें अब ये ऐड कर देती हूँ। ये देखें किस तरीके से मैं डाल रही हूँ इसको। बाकी मैंने टॉपिंग के लिए छोड़ दी है, बाकी भी मैं इसको डाल देती हूँ। सही से डालिएगा। अच्छा, इसे थोड़ा सा डालने के बाद दही, अब जो है इसमें मैं डालूँगी ये इमली की चटनी की बारी है। अब देखें किस तरीके से पूरे में स्प्रेड करना है, बिकॉज टेस्ट का मामला है, सो वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क। ये मैंने सारी डाल दिया, देखें अब मैं इसमें डालूँगी हमारा रिमेनिंग योगर्ट जो हमने शीरा मिला के रखा था। जी तो ये भी डल चुका है पूरा। नाउ अब बारी आई है हमारी टॉपिंग की। तो टॉपिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, ये चीज़ें हमारी लेफ़्ट हो गई थी करते करते, जो हमने डाली हैं सिर्फ हमारे पास अनियन बची है थोड़ी सी चॉप्ड, और ये थोड़े से हमारे पास टोमेटोज बचे हैं, ये चाट मसाला है ऊपर, और ये थोड़ी सी हरी मिर्चें पिसी हुई हैं। आए हम इसमें डाल लेते हैं। ये मैंने लिया है चाट मसाला जो 1 स्पून हमने रोका था। इसको इस तरीके से डालें, बहुत खूबसूरत सा लुक देना है हमें ना। जी तो ये मैंने डाल लिए। अब मैं लेती हूँ टोमेटोज, टोमेटोज को भी मैं डाल रही हूँ। देखें टोमेटो बस हमने एक लिया था, बीज निकाल के चॉप था, आधा हमने पहले डाल लिया था, थोड़ा सा रुका था सिर्फ टॉपिंग के लिए, वो अभी मैंने डाल दिया। अब मेरे पास बारी आई है अनियन की, अनियन को डाल लें इस तरीके से, जैसे मैं डाली हूँ आप ऐसे डालें, मर्ज़ी है आपकी कैसे भी डालें। पता है टॉपिंग से जो है ना लुक निकलती है आपकी चीज़ की। ये डाल ली सारी अनियन। अब बारी है सिर्फ जो हमारी है हरी मिर्ची पिसी हुई, ये हमारे पास है हरी मिर्ची पिसी हुई, मैं इसमें डाल लेती हूँ। जी तो अब हमारी चाट बिल्कुल तैयार है। अच्छा यहाँ से भी मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके से लेयर हुई हुई हर चीज़ की, और ये आप ऊपर से देख सकते हैं। आपको एक एडिशनल चीज़ बताऊं जो हर कोई नहीं पसंद करते, कोई कोई पसंद करते हैं। इसके ऊपर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहें। मेरे घर में कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैं इसमें नहीं डाली। आप चाहें तो पापड़ी घर में बना के या बाज़ार से मंगवा के क्रश करके भी ऊपर डाल सकते हैं, बहुत मज़ा देती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी हेल्पफुल लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमेशा मेरी लेटेस्ट अपडेट का पता रहे। अल्लाह हाफिज़। मुझे एक एडिशनल चीज़ ये बतानी थी कि मैंने इसमें टॉपिंग जो करी है वो देखें इतने करीब से मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ये मैंने बॉयल्ड पोटैटोज़ डाले हैं, बिकॉज़ कोई नहीं पसंद करता बॉयल्ड पोटैटोज़, तो मैंने कहा आपको एडिशनल चीज़ बता देती हूँ। देखें मर्ज़ी ये डालें तो वेल एंड गुड, या नहीं डालें अगर आपके घर में कोई नहीं पसंद करता तो आप ये नहीं डालें। ये देखें गाइस, अब पोटैटोज़ के बाद ये रहता है हमारा कोरिएंडर, इसके मैं ऊपर से टॉपिंग करूँगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा, बहुत मज़े की बनी की। आए हैं चलें डालते हैं, बहुत अच्छी बनी की आपको मैं दिखाऊं। इसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा होता है, ये रेसिपी इज़ रियली गुड। ये देखें